नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए नजर डालते हैं मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इंडिया बनाम भारत की जंग में कंगना की एंट्री। देश में इन दिनों इंडिया वर्सेस भारत पर बहस छिड़ी हुई है। तमाम सेलेब्स भी इस पर अपनी राय रख रहे हैं। अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक नोट शेयर किया और बताया कि इस नाम में इंडिया प्यार करने जैसा क्या है। सबसे पहले वह सिंधु का उच्चारण नहीं कर सके तो उसको बिगाड़ कर इंडस कर दिया, फिर कभी हिंदोस कभी इंदोस कुछ भी गोलमोल करके इंडिया बना दिया गया। कंगना रनौत से पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन देते हुए एक्स पर लिखा भारत माता की जय का नारा। बिग बी के इस ट्वीट को भी फैंस का फुल सपोर्ट मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों इसी महीने उदयपुर में सात फेरे लेंगे। कपल के इस बड़े मौके पर कई बड़े सेलेब्स और राजनेता शामिल होंगे। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोनों की शादी 23-24 सितंबर को होगी, जिसमें 23 सितंबर को प्री वेडिंग फंक्शन जैसे मेहंदी हल्दी और महिला संगीत सहित कई कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 24 सितंबर को शादी होगी। शादी का वेन्यू राजस्थान के उदयपुर स्थित लीला पैलेस रखा गया है। कहा जा रहा है कि इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। कल ओटीटी पर रिलीज होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म हड्डी को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। 23 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया था और अब फैंस को फिल्म की रिलीज का इंतजार है, जो कि 7 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन एक ट्रांसजेंडर के रोल में नजर आएंगे। उनके साथ इस फिल्म में अनुराग कश्यप और जिशान अय्यूब भी अहम किरदार में नजर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।